आईपीएल का पांचवा मैच गुजरात और मुंबई के बीच में खेला गया। इस मैच में मुंबई की टीम ने टॉस जीतकर गुजरात को पहले बैटिंग के लिए बुलाया। गुजरात की टीम की ओर से उसके कप्तान शुभम गिल ने ठीक ठाक शुरुआत की। शुभम गिल ने एक छक्के और तीन चौके की मदद से 31 रन की पारी खेली। इसके साथ ही मिडिल ऑर्डर में साई सुदर्शन ने कमाल का प्रदर्शन किया। साई सुदर्शन ने भी एक छक्के और तीन चौके की मदद से 45 रन बनाए। साई सुदर्शन की यह पारी थोड़ी धीमी जरूर रही, लेकिन टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। इन दोनों की पारी के चलते गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 168 रन बनाए और मुंबई की टीम की ओर से हार्दिक पांड्या ने भी 3 विकेट झटके। 169 रन के टारगेट का पीछा करने के लिए मुंबई की टीम खेलने उतरी। मुंबई के लिए रोहित शर्मा ने ठीक ठाक शुरुआत की। रोहित शर्मा ने एक छक्का और 7 चौके की मदद से 43 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। इसके साथ ही डेविड ब्रेसरी ने भी अपना योगदान दिया। डेविड ब्रेसरी ने 3 छक्के और 2 चौके की मदद से 43 रन की पारी खेली, लेकिन उनकी यह पारी टीम के काम न आ सकी और मुंबई की टीम यह मैच 6 रन से हार गई। गुजरात टीम के 4 बॉलरों ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। गुजरात के लिए साई सुदर्शन का प्रदर्शन बहुत ही बड़ा रहा, जिसके लिए साई सुदर्शन को इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आईपीएल के सभी मैचों की जानकारी सबसे पहले चाहिए तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।